वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें जनसत्ता.com, बेल आइकन दबा कर पाएं लेटेस्ट नोटिफिकेशंस। जनसत्ता पर आपका स्वागत है, मैं हूं अंशिका सारडा। जब केबी, छोटू और मनोज ने साल 1976 में नेशनल डिफेंस एकेडमी ज्वाइन की थी तो तीनों की उम्र उस वक्त महज 17-17 साल की थी। उन तीनों में एक ही बात समान थी कि तीनों के ही पिता इंडियन एयरफोर्स में सेवाएं दे चुके थे। तीनों दोस्त जब एक साथ पढ़ रहे थे तो शायद ही उन्हें इस बात का अंदाजा होगा कि एक दिन ये बैचमेट एक साथ तीनों सेनाओं के चीफ रहेंगे। जी हाँ, देश के नए सेना प्रमुख मनोज मुकुंद नरवणे बनने जा रहे हैं, जो कि जनरल बिपिन रावत की जगह लेंगे। नरवणे नौसेना प्रमुख एडमिरल करमबीर सिंह और वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल राकेश कुमार सिंह भदौरिया के बैचमेट हैं। इन दिनों की दोस्ती से लेकर नरवणे के वायुसेना प्रमुख बनने के किस्से आइए जानते हैं इस वीडियो में। जब लेफ्टिनेंट जनरल मनोज मुकुंद नरवणे 31 दिसंबर को अगले आर्मी चीफ के तौर पर जनरल बिपिन रावत की जगह लेंगे तो वे एनडीए के अपने कोर्समेट एडमिरल करमबीर सिंह और एयर चीफ मार्शल राकेश कुमार सिंह भदौरिया के साथ मिलकर देश की सेनाओं के शीर्ष पर होंगे। ये तीनों 44 साल पहले एक साथ एक ही स्कूल के बैच में थे और महज संयोग ही कहें कि 44 साल बाद ये तीनों अपनी अपनी सर्विस के शीर्ष पर हैं। लेफ्टिनेंट जनरल नरवणे इस महीने के आखिर में ही 28वें आर्मी चीफ की जिम्मेदारी संभालेंगे। उनके ऑलिव ग्रीन यूनिफॉर्म पर पैराट्रूपर विंग होगा। तीनों एनडीए के 56वें कोर्स का हिस्सा थे। एनडीए कैडेट के तौर पर 3 साल का कोर्स पूरा करने के बाद तीनों अपने अपने सर्विस एकेडमी में पहुंचे, जहां जून जुलाई 1980 में ऑफिसर्स के तौर पर वो कमीशन्ड हुए थे। एडमिरल करमबीर सिंह 31 मई को देश के 24वें नेवी चीफ बने थे और उनके व्हाइट यूनिफॉर्म पर हेलीकॉप्टर पायलट का विंग शोभा बढ़ाता है। वहीं एयर चीफ मार्शल भदौरिया 30 सितंबर को एयरफोर्स के चीफ बने थे और उनके यूनिफॉर्म पर फाइटर प्लेन का विंग शान दिखाता है। एक सीनियर ऑफिसर ने बताया, ये बहुत ही दुर्लभ है कि एनडीए के तीन कोर्समेट अपनी अपनी सेनाओं के प्रमुख हैं, क्योंकि इसके लिए जन्मतिथि, करियर का रिकॉर्ड, मेरिट और वरिष्ठता जैसी तमाम बातें देखी जाती हैं और इन सब के साथ लक भी। सर्विस चीफ 62 साल की उम्र तक या फिर 3 सालों तक जो भी पहले हो सेवाएं दे सकता है और दूसरी तरफ 3-स्टार जनरल यानी कि लेफ्टिनेंट जनरल, एयर मार्शल और वाइस एडमिरल 60 साल की उम्र में रिटायर हो जाते हैं। इसी से जाहिर होता है कि तीनों बैचमेट का अपने अपने सर्विस में चीफ बनना कितना दुर्लभ है। अब इसे महज संयोग कहें या फिर लक कि तीनों एक साथ अपने अपने सेना के शीर्ष पर कमान संभालेंगे। मीडिया रिपोर्ट्स के माने तो तीन बैचमेट्स का सेना के शीर्ष पदों पर होने का ये संयोग भारत के इतिहास में दूसरी बार बना है। इससे करीब 3 दशक पहले यानी कि साल 1991 में एनडीए के 81वें कोर्स की पासिंग आउट परेड में तीनों सेनाओं के तत्कालीन प्रमुख जनरल एस एफ रोड्रिक्स, एडमिरल एल रामदास और एयर चीफ मार्शल एन सी सूरी मौजूद थे और ये तीनों ही एक दूसरे के बैचमेट थे। और अब करीब 30 साल बाद ऐसा होगा जब तीन बैचमेट्स सेनाओं के प्रमुख होंगे। ऐसा नहीं है कि एनडी के स्कूल में ही ये तीनों दोस्त बने थे। एक अफसर ने बताया कि एडमिरल सिंह और लेफ्टिनेंट जनरल नरवणे तो एनडीए के ज्वाइन करने से पहले से ही दोस्त थे, क्योंकि कुछ सालों तक इन दोनों ने एक ही स्कूल में पढ़ाई की थी। वहीं जब एनडीए में आए तो जनरल नरवणे और एयर चीफ मार्शल भदौरिया एक ही स्क्वाड्रन में थे, वहीं एडमिरल सिंह हंटर स्क्वाड्रन में थे। सोचिए ना कि कितना अच्छा लगता होगा जब एक साथ पढ़ने वाले तीन दोस्त अलग अलग रास्तों से सफलता के शिखर पर एक साथ पहुंच जाए। कुछ ऐसा ही हुआ है केबी, छोटू और मनोज यानी कि करमबीर सिंह, राकेश कुमार सिंह भदौरिया और मनोज मुकुंद नरवणे के साथ, जो कि एडमिरल, एयर चीफ मार्शल और आर्मी चीफ के पद पर एक साथ खड़े होंगे। देश की सुरक्षा करने वाली तीनों सेनाओं की कमान अब इन तीन बैचमेट्स के हाथों में होंगी। ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं
और इसी तरह के दूसरे वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब कर लें जनसत्ता को।